Good morning friends, today we are going to study limitations of planning. The first limitation is planning leads to rigidity. Her organization mein top management plans or policy design karta hai. Phir sabhi employees ko isi plan or policy ko strictly follow karne ke instructions milte hain. Isse planning rigidity lati hai. जबकि मैनेजर्स को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी जानी चाहिए ताकि वह सर्कमस्टांसेस चेंज होने पर प्लान में भी कुछ चेंजेस कर सके. दैट्स व्हाई द फर्स्ट लिमिटेशन इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. द सेकेंड इज प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरमेंट. बिजनेस एनवायरमेंट के जनरल फोर्सेज बहुत ही डायनामिक है. जैसे इकोनॉमिक कंडीशन, कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड बिहेवियर कब चेंज होगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. इसके साथ ही टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, लॉज में कब चेंजेस होंगे या कोई नहीं बता सकता. ऐसे में प्लानिंग का रिजिड होना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं है. जबकि मैनेजर्स को बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाले इन चेंजेस को अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स और पॉलिसी में अडैप्ट करना चाहिए. अपनी प्लान्स और पॉलिसीज को हमेशा मॉडिफाई करते रहना चाहिए. That's why the second limitation is planning may not work in a dynamic environment. The third limitation is planning reduces creativity. पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान स्ट्रेटेजी टॉप मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है. मिडल लेवल और ऑपरेशनल लेवल को इस मेन प्लान के हिसाब से ही काम करना पड़ता है. उनके डिपार्टमेंटल प्लान इसी मेन प्लान पर डिपेंडेंट होते हैं. उन्हें अपनी स्किल क्रिएटिविटी के हिसाब से प्लान में कोई भी मॉडिफिकेशन करने की परमिशन नहीं होती. दैट्स व्हाई वी से प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. द नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. एक्यूरेट प्लानिंग करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन पहले मार्केट सर्वे करती है. इसमें फैक्ट्स और फिगर्स कलेक्ट करके एक्सपर्ट्स इसे एनालाइज करते हैं. इस डेटा को फिर बोर्ड मीटिंग में डिस्कस किया जाता है. प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि पर्टिकुलर प्लान कितना परसेंटेज काम करेगा. इस तरह प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और यदि यह एक्सपेंसेस ज़्यादा और इससे मिलने वाला बेनिफिट्स कम हो तो ऐसी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए. स्पेशली जिन ऑर्गेनाइजेशंस के पास फंड्स कम हैं उन्हें प्लानिंग में ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने चाहिए. द फिफ्थ इज प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. प्लानिंग करने के लिए मनी के साथ साथ टाइम भी बहुत स्पेंड करना होता है. जैसे सबसे पहले डेटा कलेक्शन करना, फिर उसे साइंटिफिकली एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, प्लान बनाना और फिर उसे इम्प्लीमेंट करना. कई बार इस प्लानिंग प्रोसेस में इतना ज़्यादा वक्त लग जाता है कि उसे एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत कम टाइम बचता है. कभी कभी सडन चेंजेस होने से या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होने, इमरजेंसी के कारण क्विक डिसीजंस लेने होते हैं, उस समय प्लानिंग प्रोसेस फॉलो करने का टाइम ही नहीं होता. द लास्ट इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए. कई बार मैनेजर्स प्रीवियस प्लान्स को ही फॉलो करते हैं क्योंकि वह सक्सेसफुल प्लान था, लेकिन टफ कॉम्पिटिशन, बिजनेस एनवायरमेंट चेंजेस के कारण हमेशा ऐसे प्लान सक्सेसफुल होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है. कई बार आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है लेकिन मेडिकल इमरजेंसी, सडन चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, नेचुरल डिजास्टर के कारण आपके प्लान वर्कआउट नहीं करते. दैट्स व्हाई वी से प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस. थैंक यू.